जहाँ लोग आते हैं रेंजर्स हुकाम ने उजैर बलोच से होने वाली तफ्तीश की रोशनी में सानिया नास को बयान देने के लिए तलब किया था। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की लियारी से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली से तफ्तीश के दौरान उजैर बलोच को भी सामने बिठाया गया था। खातून एमपीए ने हुकाम को बताया कि वो 1200 रुपए तनख्वाह पर एक स्कूल में टीचिंग करती थी, बाद में लियारी में ब्यूटी पार्लर खोला और फिर उजैर बलोच की मीडिया कोऑर्डिनेटर बन गयी। सानिया नास ने बताया कि वो उजैर बलोच के घर के काम करती थी, जिस पर उन्हें एमपीए का टिकट दिया गया। ज़राए का कहना है कि रेंजर्स हुकाम ने सानिया नास से बीएलए लियारी में गैंग वॉर के अस्करी विंग, मफरूर गैंग वॉर कमांडर्स और तरक्याती फंड के बारे में भी सवाल किए। ये भी पूछा गया कि उजैर बलोच से कौन कौन सा सियासी रहनुमा मिलने आता था। ज़राए का कहना है कि 7 घंटे तक होने वाले सवालों जवाब में खातून एमपीए के बैंक अकाउंट्स के बारे में भी मालूमात हासिल की गई। इससे पहले जुल्फिकार मिर्जा भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खादिर पटेल को भी रेंजर्स ने बयान के लिए तलब कर रखा है, लेकिन वो अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम है। मोहम्मद रजा, डॉन न्यूज़, कराची।